राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम लगने की खबर है। इन इलाकों से जा रहे लोग काफ़ी समय से फंसे हुए हैं। 5 से 10 मिनट की दूरी के सफ़र को पार करना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में शराब के नए खुल रहे ठेकों के विरोध में सोमवार सुबह से ही दिल्ली में जारी भाजपा के प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर भीषण जाम लग गया है। चक्का जाम के तहत सुबह 9 बजे से ही भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। इसके चलते दिल्ली में 15 जगहों पर जाम लग गया है। इससे वाहन चालकों को बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बताते चले कि सोमवार सुबह चौधरी ब्रह्म प्रकाश चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। इस दौरान परेशान लोग बसों के ऊपर चढ़ गए। उधर दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर भाजपा द्वारा चक्का जाम के कारण NH9 के अक्षरधाम के पास वाहनों की लंबी कतार लग गई और इसके चलते नोएडा दिल्ली रोड पर भी भीषण जाम लग गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह सड़कों पर खड़ी बसों के टायरों से हवा निकाल दी। इसके कारण भी कई जगहों पर अब जाम लग गया है। साउथ एक्सटेंशन इलाके में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के कारण रिंग रोड पर भी जाम लग गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चाहे वो बात कर ले सिग्नेचर ब्रिज की, तो सिग्नेचर ब्रिज पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की तरफ चक्का जाम किया गया है। इसकी वजह से वजीराबाद रोड पर भी अब जाम लग गया है।